हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक तड़का। पैन हमने ले लिया है, फ्लेम ऑन करते हैं। ले लेंगे ऑयल। दोस्तों एक में हमने नमक ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी तड़के में भी नमक देनी है, इसलिए ये ख्याल रखें ज़्यादा स्प्रिंकल ना करें नमक। चार एग मैंने यहाँ पर फ्राई किए थे, तो मैं एक एग और फ्राई करके दिखा रही हूँ। देख लीजिए आप, ऑयल हमने यहाँ पे गरम किया है। इसी ऑयल में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे इसे। यहाँ पे एग मैंने ले लिया है, इस तरह से हम फेटेंगे, ज़्यादा नहीं फेटना है। इसे डाल देंगे हम, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे नमक, एक से दो चुटकी, ज़्यादा देना नहीं है। और इसे तोड़ लेंगे। ऑफ करते हैं फ्लेम। तो इसी तरह से फ्राई करके मैंने दिखाया है आपको, ये चार एग मैंने फ्राई किया। कुकर हम ले लेंगे, डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारी गर्म है दोस्तों, डालेंगे ये तेजपत्ता 3, साथ ही ऐड करेंगे साबुत जीरा 1 टीस्पून। इसके साथ हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, यहाँ पे मैंने 2 बड़े अनियन लिए हैं चॉप। इसके साथ ही ऐड करेंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे चॉप्ड अदरक और लहसुन। फ्राई कर लेंगे हम इसे। तो दोस्तों यहाँ पे अनियन हमारी सुनहरी होकर के आई है, ये कलर बहुत अच्छी हल्की सी है। इसी स्टेज में हम डालेंगे हमारे कटे हुए टमाटर, 2 छोटे टमाटर ऐड किए। इसी के साथ ऐड करेंगे मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से बहुत कम हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 से 3 चुटकी के लगभग हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि मसाले हमारे ना जले। मिक्स कर लेते हैं। तड़के वाली दाल हमने रखी थी, छिलके वाली हरे मूंग की दाल, इसे हम डाल देते हैं। करीबन हमने इसे 1 घंटा भिगो करके रखा था गुनगुने पानी में। साथ ही ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भर चने की दाल ली है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। ये भी हमने 1 घंटा भिगो करके रखा था हल्के गुनगुने पानी में। मिक्स करेंगे इन सबको मसाले के साथ। नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे तड़का मसाला, लगभग 2 टीस्पून। मिक्स करते थे। दाल को गलने के लिए हम दे देंगे पानी। चलिए दोस्तों, इसमें हमने 4 विसल लगा लिए हैं कुकर में, देखते हैं। दाल अच्छी तरह गल चुकी है, मिलाएंगे हम जो हमने एक फ्राई करके रखी है वो। ये थोड़ा सा पानी दोस्तों, इसे हम थोड़ा कर देते हैं साइड। जिसमें हमने एग फ्राई किया था वही पैन हम ले लेंगे, डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, गर्म कर लेंगे ऑयल को। इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ा सा अनियन, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़े जिंजर जूलियन इसमें कटे हुए, थोड़े चॉप्ड लहसुन, थोड़े से टमाटर कटे हुए, थोड़ा
फ्लेम हम स्लो कर देंगे। इसे स्टेज में डालेंगे हम थोड़ा सा हिंग पाउडर, थोड़ा सा हमारा तड़का पाउडर, तड़का मसाला। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है बारी इससे डालने की तड़के में। इस दाल में हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। बैलेंस के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच 1 टीस्पून शुगर, साथ ही ऐड करेंगे ऊपर से बटर लगभग 2 टीस्पून और थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी इस तरह से। इसके साथ ही ऐड करेंगे कोरिएंडर लीफ। चलिए दोस्तों इसकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। तो लीजिए दोस्तों हमारी टेस्टी एक तड़का बन करके है रेडी। आप भी इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय।